सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रिटीज के ये यूट्यूबर्स ये वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा स्कैंडल आ रहे हैं और कुछ दिन चलते हैं फिर सब कुछ कोई भूल जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्लिक बेट्स का ज़माना है। आपके जो ट्रेडिशनल जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एक ऐसे समझें कि आपके सोसाइटी के अंदर ओवरऑल इन द वर्ल्ड एक नया रेवोल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ मीडिया, और वो रेवोल्यूशन ये है कि नो बैंडविड्थ। एनीवन कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, दे कैन हैव लॉन्ग फॉर्म डिस्कशंस विदाउट एनी एड्स, नो इंटरप्शंस, नो कैमरा कट्स, नो एडिटिंग, जस्ट टू पीपल टॉकिंग एंड पीपल लिसन टू दैट। और लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल मीडिया आउटलेट्स। और ये ऐसे समझें कि ये या तो गुटनबर्ग रेवोल्यूशन आया था प्रिंटिंग प्रेस का, या तो अब ये रेवोल्यूशन आया है कि नो बैंडविड्थ, एनीवन कैन गो विद अ कैमरा एंड अ माइक एंड जस्ट से वट एवर ही वॉन्ट्स एंड पीपल लिसन टू दैट, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बड़ा फेम आया है, लोग सामने आए हैं। जुनैद अकरम की मिसाल आपके सामने है, देर इज़ अनदर यूट्यूबर कॉल मोरू फॉर एग्जाम्पल, ये मिसालें आपके सामने हैं एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो ये एक रेवोल्यूशन है एंड पीपल नीड टू थिंक अबाउट दैट दैट ओके दिस इज़ नाउ द फ्यूचर। आपके ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स जा रहे हैं, उसका अब नुकसान ये हुआ है कि आपके जो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स हैं दे नीड अ स्पाइसी थिंग टू गेट द क्लिक्स। इसीलिए और ख़ास तौर पे इसी वजह से आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी हैं चार बंदे हैं, चार डिफरेंट शक्लें हैं या मैक्सिमम छः होंगी, रोटेट करती रहती हैं, डिफरेंट चैनल्स पे जाती हैं, एक पीटीआई का, एक पीएमएलएन का, एक पीपल्स पार्टी का, सेम शक्लें सेम लोग, और आपस में लड़ते रहते हैं, होस्ट लड़वा देते हैं बिकॉज दैट क्लिक्स एंड दैट सेल्स, और उसके ऊपर छोटे छोटे उसके क्लिप्स हमारे सोशल मीडिया पे चलते हैं एंड दैट गेट्स ऑल द लाइक्स। और इसी वजह से लोग मसाइल पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, अच्छी चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है कि देर आर गुड थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो, जिसकी वजह से क्योंकि वो बिकता नहीं है ना, दैट डजेंट सेल क्लिक बेट्स। अब बात जहाँ तक स्कैंडल्स की है उसकी भी यही वजह है, बिकॉज इट सेल्स, ये बिकता है एंड पीपल लाइक यू एंड मी वी बाय इट। हम कहते हैं कि ओ यार देखे उसका ये स्कैंडल आया, ओ यार देखे ये स्कैंडल आया, बिकॉज वी वॉन्ट इट। अब जहाँ तक ये स्कैंडल्स का ताल्लुक है, यार मैं आपको ये बताऊँ कि इफ़ यू डिग डाउन डीप इनफ इन एनी मैंस लाइफ देर इज श्योरली अ थिंग दैट दे डिड इन द पास्ट दैट दे विल बी एम्बैरस्ड अबाउट। देर आर स्केलेटन्स इन एवरीबडीज क्लॉजेट, कोई दूध का दूल्हा नहीं है और यूसुफ कोई नहीं होता। इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन देन यू टेक एडवांटेज ऑफ इट बिकॉज अगेन यू आर अ ह्यूमन बींग, यू डू मिस्टेक्स। एंड हमारे माशरे में वही होता है, पीपल डू मिस्टेक्स, पीपल स्लिप अप, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ हु वी आर, वी मेक मिस्टेक्स, बट हम उसको स्कैंडल बना देते हैं, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल पड़ती हैं एंड वी बिकम द जज विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आवर सेल्व्स हैव डन समथिंग समथिंग लाइक दैट इन द पास्ट ऑल्सो। अगेन देर आर स्केलेटन्स इन एवरीबडीज क्लॉजेट्स, यू डोंट हैव द हाई मॉरल ग्राउंड, आई एम सॉरी, नो वे। यू हैव डन सो मैनी एम्बेरसिंग थिंग्स इन योर लाइफ कि अगर कोई बताने लग जाए तो आप अपने आप को शीशे के सामने ठहर के ना देख सकें, बट किसी दूसरे के साथ होता हुआ अगर हो तो आपको अच्छा लगता बिकॉज इट सेल्स। और अगेन द टिपिकल थिंग्स हैपन, दे फॉरगेट आउट ऑफ 3-4 डेज एवरीथिंग डाइज डाउन और सारा स्कैंडल ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ इतनी ही बात करूँगा कि लेट द पीपल लिव देयर लाइव्स, यू आर नॉट अ सेंट, आप ना वली हैं ना आप पैगंबर हैं
ना आपने मुआशरे को दुरुस्त करना है, दैट्स नॉट योर जॉब. माइंड योर ओन बिजनेस, लिव योर लाइफ, लिव एंड लेट लिव, दैट्स इट.